कल हमारी सोसाइटी की एजीएम थी, वहाँ सब लोग मुझसे पूछने लगे कि ये रफाइल डील क्या है। तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि हमारी बिल्डिंग के सारे लॉक्स को अपग्रेड करने की बात कई सालों से चल रही थी। पुराने सेक्रेटरी किसी फ्रेंच कंपनी से डील के बारे में बात करते रहे जो हमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड लॉक्स देंगे, लेकिन 10 साल हो गए उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो जब मैं सेक्रेटरी बनी तब मुझे पता चला कि पुराने सेक्रेटरी तो सिर्फ लॉक खरीदने की बात कर रहे थे, भाई उससे क्या फ़ायदा जब तक उसके साथ वीडियो डोर फोन ना हो। अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लॉक्स अगर हम खरीदेंगे तो उसके साथ उसका मेंटेनेंस रिपेयर इस पर भी तो खर्चा होगा, साथ ही टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमें लॉक्स को अपग्रेड भी करना पड़ेगा। अब इन सारे चीज़ों की कीमत 10,000 से भी ऊपर जा रही थी। तो मैंने उसी फ्रांस की कंपनी के टॉप बॉस से बात की तो मुझे पता चला कि ऑन पेपर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, और पुराने सेक्रेटरी जो लॉक्स 5,000 में खरीदने का दावा कर रहे थे वो तो मैंने 4,000 में ही खरीद लिए। और फिर मैंने इस पूरी डील को रीनेगोशिएट किया और साथ में ये शर्त भी रख दी कि लॉक्स के कुछ पार्ट्स हमारे अपने भारत में बनेंगे ताकि आगे चल के कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमें बार बार विदेश भागना ना पड़े। ये सारी डील मैंने 7,000 में पक्की की। अब कहाँ उनके 10,000 और कहाँ 7,000, रफाल डील भी यही है। अब एक तो हमें फाइटर प्लेन सस्ते में मिल गए, साथ में ही हमें मिसाइल्स मिल गई जो हम भारत से ही दुश्मन देशों पर दूर तक चला सकते हैं। इसके साथ साथ प्लेन के कई पार्ट्स हमारे अपने देश में बनेंगे, और सबसे अहम बात कि इस पूरी डील में भारत ने लगभग 12,500 करोड़ रुपए की बचत की है। पुराने सेक्रेटरी कल ही विदेश से लौटे और आते साथ झूठ मूठ के सवाल करने लगे, तो मैंने उनसे कहा भाई साहब आप अपनी आलू की फैक्ट्री संभालिए और सोसाइटी की सुरक्षा हम पे छोड़ दीजिए। इजी है ना।